हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ भाग्यश्री वानखेड़े फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ NIT पॉलिटेक्निक नागपुर वेलकम्स यू फॉर द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट डिजिटल टेक्निक्स 22320 एंड यूनिट नंबर 2 इज लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक फैमिलीज। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। अब आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं और उस सर्किट डिज़ाइनिंग के बाद में हमें पता चलता है कि उसमें एंड गेट भी यूज़ हो रहा है, नॉट गेट भी लग रहा है, एक्सॉर गेट भी लग रहा है, बहुत सारे गेट्स के कॉम्बिनेशन से एक सर्किट बनता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो पूरा का पूरा सर्किट सिर्फ एक गेट का यूज़ करके ही हम डिज़ाइन कर सकें? अगर ऐसा हो गया तो हमारे डिज़ाइनिंग में नंबर ऑफ ICs हमें बहुत कम लगेंगे, नंबर ऑफ स्पेस, जो स्पेस एरिया होता है सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए, वो बहुत ही कम लगेगा अगर ये पूरा का पूरा सर्किट एक ही गेट से अगर पॉसिबल होता है। तो ये हम पॉसिबल कर सकते हैं जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, दैट इज़ NAND एंड NOR गेट, वो अकेले ही ये काम कर सकते हैं। किसका? सारे बेसिक गेट्स का, यानी OR का भी काम कर सकता है, एंड का भी काम कर सकता है और नॉट का भी काम कर सकता है। यानी ये तीनों काम को अकेला नैंड गेट भी कर सकता है या अकेला नॉर गेट भी कर सकता है। फिर हम ये ऑपरेशंस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसी को कहा गया है रियलाइजेशन। सो हम एक एक करके उन टॉपिक को भी देखने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द कोर्स आउटकम्स रिलेटेड टू द यूनिट नंबर 2, दैट इज़ यूज बुलियन एक्सप्रेशन टू रियलाइज लॉजिक गेट्स, एंड दिस इज़ द चार्ट ऑफ COPO mapping as per the previous lecture. The same chart is given here because the course outcome is common for the unit number 2. What are the learning outcomes? So ये पूरे topic को पढ़ने के बाद आप लोगों को universal gates से आप सारे basic gates को कैसे design कर सकते हैं ये समझ में आएगा। उसके बाद में इस डिज़ाइनिंग के वक्त ड्यूअलिटी थ्योरम और डिमॉर्गन्स थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे होता है या डिमॉर्गन्स थ्योरम किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं ये भी हमें पता चलेगा। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कि रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स बाय यूजिंग NAND गेट ओनली। तो इस टॉपिक में हम अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मीनिंग सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि मुझे नॉट गेट डिज़ाइन करना है, यानी काम फंक्शन नॉट गेट का होना चाहिए। नॉट गेट का फंक्शन क्या है कि कोई भी अगर इनपुट देते हो तो आउटपुट में हमें इनवर्स वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन दिखते वक्त वो NAND गेट के जैसा दिखना चाहिए। यानी नॉट गेट का फंक्शन होना चाहिए लेकिन दिखते वक्त NAND गेट के जैसा दिखना चाहिए। तो हमेशा रियलाइजेशन जो होता है वो यूनिवर्सल गेट्स को यूज़ करके ही किया जाता है। यानी कोई भी गेट को डिज़ाइन करना है तो हम सिर्फ NAND गेट का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर NOR गेट अकेला यूज़ हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि NOT गेट बाय यूजिंग NAND गेट ओनली। तो NOT गेट का इक्वेशन क्या है ये हमें सब लोगों को पता है कि NOT गेट का इक्वेशन है Y इज इक्वल टू A इनवर्स। लेकिन मुझे तो चाहिए कि वो गेट किसके जैसा दिखना चाहिए, NAND के जैसा। तो NAND गेट का इक्वेशन मुझे पता है, साइड में लिख के रखिए आप, A डॉट B होल बार। इसका मतलब NAND गेट का इक्वेशन अगर मुझे बनाना है तो मेरे पास दो वेरिएबल होने चाहिए और उसके ऊपर होल इनवर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे NOT गेट का इक्वेशन है Y इज इक्वल टू A इनवर्स। तो एक वेरिएबल को दो वेरिएबल में मुझे कन्वर्ट करना है लेकिन इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास बुलियन लॉ है कि A कैन बी रिटर्न एज A इंटू A, A इंटू A की वैल्यू भी A ही होती है और ये होल इनवर्स यहाँ पर आ गया। नाउ ये जो इक्वेशन है इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस इक्वेशन। यहाँ पे भी दो वेरिएबल है और होल बार है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है और डॉट ऑपरेटर है और होल बार है। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों भी NAND गेट के इक्वेशन के जैसे ही हो गया। यानी ये भी इक्वेशन अभी NAND गेट के इक्वेशन के जैसा हो गया। जैसे ही आपको ये इक्वेशन NAND गेट के जैसे दिखता है आपको स्टॉप करना है, ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करती हूँ NAND गेट, तो NAND गेट इज़ लाइक दिस। NAND गेट में दो इनपुट होते हैं,
दो इनपुट को, एक होता है ए और दूसरा होता है बी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों जगह पे ए ही ए है, इसलिए यहाँ पे ए और ये ए, और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वाई। लेकिन ये दोनों भी इनपुट सेम हैं, इसलिए हम इन दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करके एक ही इनपुट बना सकते हैं। इसका नाम दे देंगे ए और ये आएगा हमारा आउटपुट वाई। तो हमारी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स, और ये किसका इक्वेशन है, नॉट का। इसका मतलब काम नॉट का हो रहा है लेकिन दिख रहा है नैंड गेट, है ना। इसीलिए इसको हम रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड गेट बोल सकते हैं। और भी ये टॉपिक आपका अभी क्लियर होगा जब हम सेकंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कि सेकंड टॉपिक इज एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो आपको दो इक्वेशन पता रहना ज़रूरी है। एंड गेट का इक्वेशन पता है आप लोगों को, ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, और नैंड गेट का इक्वेशन आपको साइड में लिखना है, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार। आपकी जिम्मेदारी अभी ये है कि इस इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन के जैसे बनाना है। इसका मतलब आपके पास ए इंटू बी तो ऑलरेडी है, ए इंटू बी तो है, लेकिन इसके सर पर आपको बार लाना है, यानी कॉम्प्लीमेंट वाला साइन लेके आना है, इनवर्स लाना है। लेकिन आप अपने हाथ से वो इनवर्स ज़्यादा का यहाँ पे दे नहीं सकते, आपको ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे इनवर्स भी आना चाहिए और इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास एक मेथड है, टेक डबल इन्वर्शन। हमने बुलियन लॉज में पढ़ा है कि जब भी कोई भी ऑपरेशन पे हम डबल इन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई भी असर नहीं होता। सो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी पहला इन्वर्स, सेकेंड दो बार नेगेटिव का मतलब ओरिजिनल हमारी वैल्यू। अब आप ये पहला वाला इक्वेशन देखिए, ए डॉट बी होल बार, तो ये हो गया आपका इस इक्वेशन के जैसा, ए डॉट बी होल बार, यानी ये नैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको अभी रुक जाना है। तो ए डॉट बी होल बार इज़ नथिंग बट द नैंड गेट। तो यहाँ पे रहेगा ए, यहाँ पे रहेगा बी, और इसका इक्वेशन आता है हमारा ए डॉट बी होल बार, क्योंकि एंड का मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन और बबल का मतलब इन्वर्शन, यानी ये नैंड गेट हो गया। अब इसके ऊपर और ये एक बार चाहिए, एक बार का मतलब होता है नॉट ऑपरेशन, लेकिन नॉट गेट हम लगा नहीं सकते, तो हमें फिर से नैंड गेट लगाना है। और नैंड गेट को अगर नॉट गेट के जैसा यूज़ करना है तो उसके दोनों इनपुट्स को क्या करना पड़ता है, शॉर्ट और वो यहाँ पे दे दो। तो मेरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ये ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे आ गई और इस बबल की वजह से और एक बार यहाँ पे आ गया। यानी एंड गेट को अगर मुझे नैंड गेट से डिज़ाइन करना है तो दो नैंड गेट मुझे सीरीज़ में कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली। अब अगर हमें और गेट बनाना है बाय यूजिंग नैंड, यानी डिज़ाइनिंग में मुझे नैंड ही नैंड दिखने चाहिए, लेकिन काम होना चाहिए और गेट का, और गेट का काम है एडिशन का काम, तो इसके लिए मुझे दो इक्वेशन पता होना ज़रूरी है। तो और गेट को डिज़ाइन करना है तो और गेट का इक्वेशन है ए प्लस बी, और बाय यूजिंग नैंड गेट करना है तो नैंड का इक्वेशन आप साइड में लिखिए, ए डॉट बी होल बार, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नैंड गेट। अब आप देखिए कि आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के जैसे बनाना है, तो आपके पास यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ पे बार है, इसका मतलब मुझे पूरे इक्वेशन को चेंज करना है। तो सबसे पहला रूल है कि अगर मुझे बार लाना है तो टेक डबल इन्वर्शन। इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास में इस इक्वेशन के ऊपर बार भी आ जाएगा और इस इक्वेशन पे कोई असर भी नहीं होगा। कोई भी इक्वेशन पे डबल इन्वर्शन लेते हो तो वो कैंसिल हो जाता है, यानी ए प्लस पी यही उसका आंसर रहेगा, लेकिन दिखते वक्त हमको अभी यहाँ पे बार दिख रहा है। तो ए प्लस बी होल बार, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पे डॉट ऑपरेटर नहीं है। तो हमारे पास एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि प्लस ऑपरेटर को डॉट ऑपरेटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिमॉर्गन्स थ्योरम है। सो बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल बार कैन बी रिटर्न एज ए बार डॉट बी बार, यानी हमने प्लस ऑपरेटर को डॉट में कन्वर्ट कर दिया।
इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार की वैल्यू है a बार डॉट b बार और ये कंप्लीट बार यहाँ पे। अब आप देखिए कि यहाँ पे पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म और दोनों पे होल बार, इट इज़ जस्ट लाइक दिस इक्वेशन, पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म और होल बार, यानी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और कंप्लीट बार होना चाहिए। इसका मतलब ये इक्वेशन नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको यहाँ पे स्टॉप करना है। अब हमको जब भी सर्किट डिज़ाइन करना है और गेट का, दिखते वक्त नैंड गेट दिखने चाहिए, तो ऐसे कितने नैंड गेट लगेंगे वो हम कैसे जज कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी बार टर्म्स है, एक दो और ये तीन, तो तीन नैंड गेट लगेंगे। अब पहला नैंड गेट देखो, ए बार बनाने के लिए चाहिए, ए का इन्वर्स चाहिए हमको, तो यहाँ पे ए का इन्वर्स करने के लिए पहला नैंड गेट यूज़ हुआ, जस्ट लाइक अ नॉट गेट। फिर हमको बी का इन्वर्स चाहिए, तो बी का इन्वर्स करने के लिए मुझे सेकेंड नैंड गेट लगेगा एज अ नॉट गेट, है ना, तो बी का इन्वर्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों के सर पे मुझे बार चाहिए, तो मुझे तीसरा नैंड गेट लगेगा, क्योंकि नैंड गेट का काम क्या है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन और इनका इन्वर्स। तो ये दो चीज़ कौन सी है अभी हमारे पास, ए बार डॉट बी बार, और ये नैंड गेट का काम क्या है, दो इनपुट का वो मल्टीप्लिकेशन करता है और उसके सर पे टोटल बार दे देता है। इसका मतलब और गेट को अगर मुझे डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग नैंड गेट, तो मुझे तीन नैंड गेट लगेंगे, और वो हमने कैसे जज किया, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, तो इसी टाइप से अभी हमने सारे बेसिक गेट नैंड गेट से डिज़ाइन किए, अब हम देखेंगे कि सारे बेसिक गेट्स नॉर से कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। सो अब हम देखेंगे सबसे पहला गेट नॉट गेट बाय यूजिंग नॉर गेट, तो इसमें भी हमको उसी टाइप से जाना है, जिस गेट को डिज़ाइन करना है उसका इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए। तो नॉट गेट का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स, जिस गेट से डिज़ाइन करना है उसका इक्वेशन, यानी ये यूनिवर्सल गेट है, इसका इक्वेशन हमें साइड में लिखना है, ए प्लस बी होल बार। अब मेरी जिम्मेदारी है कि इस इक्वेशन को इसके जैसे बनाना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल के दो वेरिएबल अगर करना है तो मेरे पास रूल है ए प्लस ए। अब यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए मैंने ए प्लस ए, क्योंकि हमको पता है बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ए प्लस ए की वैल्यू हमेशा ए होती है, और ये होल बार जो है वो होल बार। नाउ यू टैली दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दो वेरिएबल का एडिशन होल बार, दो वेरिएबल का एडिशन होल बार, तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गए। यू हैव टू स्टॉप दिस इक्वेशन। नाउ अभी आपको नॉर का सिम्बॉल ड्रॉ करना है, नॉर में दो इनपुट देने हैं, एक रहेगा ए और दूसरा भी ए, और यहाँ पे आपका आएगा वह आउटपुट, लेकिन ये दोनों ए कॉमन है इसलिए हम इनको कॉमन कर देते हैं। तो कॉमन करने की प्रोसेस, दोनों को शॉर्ट कर दो, ए की इनपुट दे दो ए, ताकि ये ए यहाँ पे भी जाएगा, ए यहाँ पे भी जाएगा, और दिस इज़ नथिंग बट द वाई, वाई की वैल्यू क्या आएगी हमेशा ए इनवर्स, वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी काम नॉट गेट का हो रहा है लेकिन दिखते वक्त डिज़ाइन किसका दिख रहा है, नॉर का, इसीलिए इसको रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो नॉर गेट कैन बी एक्टेड एज अ नॉट गेट वेन एवर वी शॉर्ट बोथ द इनपुट्स। हम जब जब नॉर गेट के इनपुट्स को शॉर्ट कर देते हैं और एक कॉमन इनपुट निकालते हैं, वो नॉट गेट के जैसा काम करना शुरू कर देता है, जस्ट लाइक नैंड गेट। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे कि एंड गेट को हम कैसे, या और गेट को हम कैसे नॉर गेट से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दूसरा और गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। अब आपको पता है कि और का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आपको यूज़ करना है नॉर गेट, तो नॉर का इक्वेशन साइड में लिखिए a प्लस बी होल बार। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले टैली कीजिए, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार टर्म नहीं है, तो मुझे बार लाना है लेकिन इसके वैल्यू पे असर नहीं करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, टेक डबल इन्वर्शन, तो मैं लूँगी टेक डबल इन्वर्शन। और जैसे ही हम डबल इन्वर्ट कर देते हैं उस इक्वेशन पे दो बार आ जाते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं होता, ओरिजिनल इक्वेशन विल बी एज इट इज़। अब आप इस इक्वेशन को टैली कीजिए a प्लस बी होल बार, यहाँ पे भी a प्लस बी होल बार, यानी यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया,
दोनों इक्वेशन मिल गए, सेम दिख रहे हैं, स्टॉप द वर्किंग। अब यहाँ पे ए प्लस बी होल बार, जैसे दो बार है तो हमको दो नॉर गेट लगेंगे, तो ए प्लस बी होल बार यानी नॉर गेट का इक्वेशन है। तो यहाँ पे पहला नॉर गेट ए और बी, ये नॉर गेट का इक्वेशन, पहला नॉर गेट हो गया ए प्लस बी होल बार, है ना। अब इस बार वाले टर्म पे फिर से एक बार लाना है, और एक बार लाना यानी उसको मुझे नॉट गेट यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन नॉट गेट यूज़ करने की मुझे परमिशन नहीं है, मुझे तो नॉर गेट ही यूज़ करना है। और नॉर को अगर नॉट बनाना है तो मुझे दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करने पड़ेंगे, और इस इनपुट में ये वाला वैल्यू देना पड़ेगा, सो दैट आई विल गेट ए प्लस बी होल बार और उसका बार। सो दिस हम बोल सकते हैं कि एक और गेट डिज़ाइन करने के लिए मुझे दो नॉर गेट की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी सीरीज़ में कनेक्शन होने चाहिए। अब हम देखेंगे एंड गेट को नॉर गेट से कैसे डिज़ाइन किया जाता है। अब देखिए कि एंड गेट को डिज़ाइन करना है नॉर गेट से, तो सबसे पहले मुझे एंड का इक्वेशन पता होना चाहिए। एंड का इक्वेशन, एंड यानी मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट बी, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एंड गेट। मुझे यूज़ करना है नॉर गेट, तो नॉर गेट का इक्वेशन होना चाहिए ए प्लस बी होल बार। अब मुझे डॉट ऑपरेटर के जगह प्लस करवाना है, और उसके ऊपर होल बार भी आना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस करेंगे हम टेक डबल इन्वर्शन। डबल इन्वर्शन से हमारी इक्वेशन पे कोई भी असर नहीं होता, यानी जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है वो एज़ वैसे ही रहता है, बस उसके सर पे हमको दो बार दिखते हैं। तो अभी हमने क्या कर दिया, ए प्लस ए डॉट बी होल बार, लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पे प्लस नहीं है, तो हमको डॉट को प्लस करने के लिए हमारे पास डिमॉर्गन्स थ्योरम है। इसलिए बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम ए डॉट बी होल बार कैन बी रिटर्न एज ए बार प्लस बी बार। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार का मतलब अभी हम लिखेंगे a बार प्लस b बार, और ये कंप्लीट बार एक ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल का एडिशन और कंप्लीट बार, यहाँ पे भी दो वेरिएबल का एडिशन और ये कंप्लीट बार, तो दिस इज़ नथिंग बट द नॉर गेट, बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं। अभी स्टॉप करना है, फिर बार को काउंट करना है, एक दो तीन, इसका मतलब तीन बार यानी तीन नॉर गेट लगेंगे। ए को ए बार में कन्वर्ट करने के लिए पहला नॉर गेट यूज़ होगा एज अ नॉट गेट, नॉट गेट यूज़ करना है तो उनके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, सो ए इनपुट देते हो तो आपको मिलेगा ए बार। फिर मुझे बी बार चाहिए, तो इसका मतलब बी इनपुट है मेरा, तो बी को बी बार में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा नॉर गेट, जिसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया तो वो नॉट गेट के जैसा काम करता है, ये हो गया बी बार। अब इन दोनों का एडिशन होना चाहिए और होल बार आना चाहिए, तो दो चीज़ों का एडिशन और होल बार लाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है नॉर गेट का। तो यहाँ पे एक ए बार और ये बी बार, दोनों का एडिशन होगा और उसके ऊपर होल बार आएगा, दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ नॉर गेट। तो आप समझ सकते हैं कि एंड गेट को डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग नॉर गेट, तो हमको तीन नॉर गेट लगेंगे। सो इन दिस वे we can convert all the basic gates into we can design all the basic gates by using NAND and NOR gate। तो हमने देखा कि इस टॉपिक में कैसे हम NOR gate को डिज़ाइन कर सकते हैं by using NAND gate, AND को डिज़ाइन कर सकते हैं, OR को डिज़ाइन कर सकते हैं by using NAND gate alone and NOR gate alone। So उसका टेक्निक भी हमने अंडरस्टैंड किया, और how this De Morgan's theorem is utilized while the realization, ये भी हम पढ़ चुके हैं। So students, thank you so much for watching this video, watching this lecture carefully, and we will continue the topic realization of special purpose gates by the universal gate। जिस टाइप से हमने basic gates को design किया universal gate से, उसी टाइप से हम स्पेशल पर्पस गेट दैट इज़ डिराइव्ड गेट्स को भी रियलाइज़ करेंगे बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। थैंक यू।